कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अनिहन सोनकर है और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक्ट। और मैं क्लास 4E में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है DAV पुष्पांजलि। आई एम स्टूडेंट ऑफ राहुल खन्ना एजुकेशन थ्रू थिएटर। और आज जैसा कि आपने सुना कि मैं आज एक एक्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है पेरेंट्स रिस्पेक्ट। तो इसके अंदर मैं चार किरदार निभाऊंगा, नरेटर, चिंटू और चिंटू की मॉम। चिंटू अपने घर में आराम से खेल रहा था। और तभी उसकी मॉम कहती है, चिंटू बेटा जाके अपना होमवर्क कर लो। ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ। फिर वो अपने कमरे में जाके आराम से होमवर्क कर रहा होता है। इसका क्या था जवाब? हाँ ये होगा, ये सही होगा। अपने अपने मम्मी पापा से एक बार पूछ लेते हैं। हाँ पापा तो ऑफिस गए हैं, मम्मी से पूछते हैं ना। फिर वो अपने मॉम के पास जाता है पूछने के लिए कि आंसर सही है कि नहीं। मॉम ये आंसर सही है कि नहीं? नहीं बेटा ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा, मैं लिखती हूँ ये होगा। नहीं मॉम ये होगा, मैंने सही लिखा है, ये गलत है। नहीं बेटा ये गलत नहीं है, तुमने गलत लिख दिया है। नहीं मॉम ये सही है, ये गलत है। फिर ऐसे ही काफी देर के बाद वापस अपने अपने घर पे वापस से सोचने लग जाता है कि मेरी मम्मा सही होंगी या गलत। फिर सोचता है कि मैं तो सही होगा, कि मैंने अपनी पढ़ाई की थी तो मैं यही आंसर था। फिर उसका एग्जाम आया। अरे हाँ ये आंसर तो मैंने कल रात को याद किया था। हाँ। फिर जब उसके अगले दिन उसका रिजल्ट आता है तब उसे पता चलता है कि अरे मेरी मॉम तो सही कह रही थी, ये आंसर नहीं है, मॉम ने जो कहा था वही है आंसर। मुझे अपनी मॉम की बात माननी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बार गलत हो गया होगा, पर मैं बार बार गलती नहीं करता। फिर ऐसे ही सोच के कि उस गलती से ये हो गया होगा, पर उसे फिर भी वो सोचता रहता था कि मैं गलती थी मेरी या फिर मेरी मॉम सही कह रही थी। लेकिन फिर वो दोबारा सोचने लग जाता है कि मैं गलत नहीं था, गलती से हो गया होगा, दोबारा सोचता है। फिर अगले दिन जब वो अपने घर पे आराम से बैठा होता था और उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हारा एक मैसेज आया है कि अब तुम्हारा हॉलीडे है। फिर वो इतना खुश हो जाता है कि वो कहता है ये अब तो होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, ये जल्दी मैं जाके खेलूंगा। और ऐसे ही उसके हॉलीडे के होमवर्क्स भी आ गए। और वो लेकिन उन सबको ऐसे डे सोच रहा था कि ये ट्रिप तो कर लूंगा, कभी भी हो जाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो आराम से TV देख रहा था। वाह कितना फनी है, मजा आ रहा है, कोई काम नहीं एकदम मजा आ रहा है। अरे हाँ मेरा तो होमवर्क है, कोई नहीं अपनी मॉम से नहीं कहता हूँ वरना करना पड़ जाएगा। फिर ऐसा सोच के वो आराम से बैठा हुआ TV देख रहा था। पर उसकी मॉम फिर कहती है, चिंटू बेटा तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क आया है, वो जाके कर लो। ठीक है मॉम मैं जा रहा हूँ। फिर वो अपने कमरे में जाके बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, होमवर्क करने का तो उसे मन नहीं था। तो फिर वो सोचता है मुझे होमवर्क करने का मन नहीं है। अरे हाँ अभी तो हॉलीडे है, हॉलीडे में कौन होमवर्क करता है, नहीं करूँगा मैं। और ऐसे ही वो थोड़ी देर बाद सो गया। फिर उसकी मम्मी कहती है, चिंटू बेटा तुम्हारा होमवर्क हो गया। हाँ क्या मॉम? बेटा मैंने कहा कि तुम्हारा होमवर्क हो गया। हाँ मॉम हो गया। तो ऐसे ही कह के वो अगले दिन ऐसा
ऐसा होता है कि उसका हॉलीडे खत्म हो जाती है, वो उसका लास्ट होमवर्क था पर वो नहीं किया। फिर ऐसा होता है कि उसकी मॉम सोचती है कि कर तो उसने अच्छे से होमवर्क कर लिया था, स्कूल जाके इसका तो सारा होमवर्क सबमिट हो जाएगा। पर वो स्कूल जाता है तो उसे वो उदास हो जाता है कि मुझे ये होमवर्क करना चाहिए था, इतना सारा था, अब तो दोबारा होमवर्क करना पड़ेगा, स्कूल से और भी होमवर्क आएंगे। फिर वो अपने घर जाके अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैंने आपसे झूठ कहा था कि मेरा होमवर्क हो गया, मेरा वो वाला होमवर्क नहीं हुआ, सॉरी मॉम। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने तो गलती कर दी थी, उसको अपनी मॉम की बात माननी चाहिए थी और उससे झूठ नहीं कहना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मॉम और डैड या सभी से कभी उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कभी भी उन सब की बात को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू।